जिस प्रकार आपके आरसी एंटरटेनमेंट पर सब कुछ है, उसी प्रकार आईबीएल 2018 अपडेट्स ऐप में सब कुछ है। तो आईबीएल 2018 के सभी प्लेटफॉर्म की सभी न्यूज और सभी क्वालिटी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप अभी आईपीएल 2018 अपडेट्स ऐप को डाउनलोड करें और आईपीएल 2018 का मजा पाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, आईपीएल 2018 के ऑक्शन में सबसे मजबूती के साथ मैदान पर उतरे किंग्स इलेवन पंजाब। सबसे ज्यादा एक्साइटेड टीम मैनेजमेंट जिस टीम का था वो था किंग्स इलेवन पंजाब, और ऐसा ही इन्होंने दिखाया अंत तक, और बड़े बड़े दिग्गजों को अपनी टीम में शामिल किया है और एक परफेक्ट टीम बनाई है किंग्स इलेवन पंजाब, और जिनसे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि इस बार किंग्स इलेवन पंजाब एक बेहद मजबूत टीम बनकर सामने आई है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अक्षर पटेल को इन्होंने रिटेंशन के दौरान रिटेन कर लिया था, यानी अब इनके पास तीन आरटीएम कार्ड थे और तीनों आरटीएम कार्ड्स ये ओवरसीज प्लेयर्स पर यूज कर सकते हैं। अब ऑक्शन में इन्होंने जो पहला खिलाड़ी खरीदा वो था रविचंद्रन अश्विन, 7.6 करोड़ में खरीदा। हालांकि रविचंद्रन अश्विन इस टीम की कप्तानी कर सकते हैं, जो कि एक बेहद अच्छे कप्तान के रूप में सामने आ सकते हैं। इनके बाद इन्होंने खरीदा करुण नायर को 5.6 करोड़ में, केएल राहुल को 11 करोड़ में, काफी बड़ी रकम में केएल राहुल को खरीदा है। हालांकि केएल राहुल पर सभी टीम्स अपना हाथ आजमाना चाह रही थी, लेकिन अंत में बाजी किंग्स इलेवन पंजाब ने मारी। डेविड मिलर को 3 करोड़ में इन्होंने रिटेन किया है। जी हाँ दोस्तों, आरटीएम कार्ड के द्वारा 3 करोड़ में डेविड मिलर को रिटेन किया है। एरॉन फिंच जैसे ओपनर को 6.2 करोड़ में इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है। ये किसी भी ओपनर के लिए बेहद कम प्राइस है। युवराज सिंह को 2 करोड़ में अपनी टीम में वापस पा लिया है। किंग्स इलेवन पंजाब के साथ युवराज सिंह का रिश्ता काफ़ी पुराना है, और किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से खेलते हुए युवी मोहाली में खेलने की बात कुछ और ही है। मार्कस स्टोइनिस की बोली बढ़ रही थी, लेकिन 6.2 करोड़ में आरटीएम कार्ड का यूज करते हुए मार्कस स्टोइनिस को किंग्स इलेवन पंजाब ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। इनके बाद अगर हम देखें तो मयंक अग्रवाल को 1 करोड़ में ओपनर के तौर पर अपनी टीम में शामिल किया है, और जो आखिरी प्लेयर है वो है अंकित सिंह राजपूत। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए लास्ट टाइम खेले थे, और टैलेंट के साथ अंकित राजपूत एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं किंग्स इलेवन पंजाब के खेमे में। तो दोस्तों, ये तो रहा वो खेमा जिसमें इनके सेलेक्टर्स ने काफी एक्साइटमेंट दिखाया, और इस बार एक बैलेंस्ड टीम, टैलेंटेड टीम सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है, कौन सा प्लेयर यहाँ पर इनकी कप्तानी कर सकता है, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन हमें जरूर दें। और आईपीएल 2018 की सभी लेटेस्ट वीडियोस आपको लगातार आरएस एंटरटेनमेंट की ओर से मिल रही हैं, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। यह दोस्तों, बेल के नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।